चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 75 दिन के लगभग सीजन को चलते हो गए, आपको अपने गन्ने के रेट का भी कोई पता नहीं है। कुछ ये बिजार खाया गया, कुछ कीड़ा खाया गया, कुछ ये मील वाले खाया गया। किसान त्रस्त है। इस साल की 180 करोड़ रुपए की चीनी 13 तारीख को बिकनी थी, 80 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे, 100 करोड़ का तो नहीं पता कहाँ गए। ना कोई गन्ने का भाव घोषित होया, लोग पूरी फसल मील को दे ली। इवे 202 या 250 फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहला किसान, दूसरा नील, तीसरी स्टेट सरकार, चौथी भारत सरकार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मील प्रशासन ने, मील मालिक ने कोई गंडा बो रखा क्या, या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई गंडा बो रखा क्या, या भारत सरकार ने बो रखा क्या कोई गंडा? बहुत ताज्जुब की बात है साथियों, गन्ने का उत्पादन करने वाले आप और मालिक ये बने बैठे, किसान साथी 15 साल से लेकर 85 साल तक के किसान उपस्थित है। आपने ऐसा सीजन आज तक नहीं देखा, 75 दिन के लगभग सीजन को चलते हो गए, आपको अपने गन्ने के रेट का भी कोई पता नहीं है। आज यहाँ जो महापंचायत हो रही है 18 जनवरी को ऐलान किया गया था, तो क्यों ये पंचायत हो रही है यहाँ पे? पंचायत यह हो रही है कि मील नहीं हो, बजाज मील क्या, बजाज मील नहीं हो, बिजार मील है। इनने यानी के 2000 मज लगे 4-5 मायावती की सरकार होगी, जब तक ना परमिट करा ठीक, जब तक बाद में इन्हें पैसा नहीं दिया किसानों को, दो दो तीन तीन साल का रोक ले, पिछले साल का भी लगभग 2 महीने का परमिट रह रहा है, तो कुछ मतलब है ही नहीं। इस पर 300-350 करोड़ रुपए बाकी है, इस वजह तो यह धरना चल रहा। तो अभी एक बात और सुनने में आ रही है कि आवारा पशु से बहुत ज़्यादा किसानों को दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे लाके जो है मील के बाहर छोड़े भी जा रहे हैं आवारा पशुओं को, तो क्या दिक्कत है आवारा पशुओं से हो रही है किसानों को? आवारा पशु तो दिक्कत हो रही है, अभी मेरा भाई था 2 मिनट पहले ही, अभी का 3-4 महीने पहले उन भी जा रहे टक्कर मारे थे, कोई अंतर टूट गया था, वो रोड गिरवाई, फसल नहीं छोड़ रहे किसान की, जो गेहूँ की है गन्ने की है कुछ भी फसल नहीं छोड़ रहे। कुछ ये बिजार खाया गया, कुछ कीड़ा खाया गया, कुछ ये मील वाले खाया गया। किसान त्रस्त है, बहुत दुखी है। बिजली मीटर लगा रही है खेतों में सरकार, लेकिन किसान उसका विरोध कर रहा है, क्या क्यों इतना विरोध किसान उस चीज का कर रहा है? विरोध तो भाई आप एक बात देख लो, पहले तो परमिट नहीं मिल रहा, दूसरी बात मीटर तक बिल दिए जाएंगे किसान पे, 1% भी पूरे क्षेत्र में मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे, ठीक है? और इस मील तम बहुत परेशान आ लिए, बिल्कुल भी वो पेमिट नहीं दे रहा हमारा, बिल्कुल भी ना कोई गन्ने का भाव घोषित हो या लोग पूरी फसल मील को दे ली। इवे 202 या 250 फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान एकता। इनके गोदाम में था जो चिन्नी आज भी कलग रही, उसे रात हम
हम देखा ही जाएगा, वह नवंबर 2022 की चिमनी बेच के इस सीजन की, तब ये पैसा दे रहे। यहाँ से अपने कागज पत्र ठा लिया, हमें दिखा दो हमें जोड़ के रजिस्टर का, वो आरजी रजिस्टर बतावे उस पर आबकारी विभाग के अधिकारी का भी साइन हो, कते हरे धोरा बिकलीर कितना है सौदा। इस साल की 180 करोड़ रुपए की चिमनी 13 तारीख को बिकली थी, 80 करोड़ रुपए की साड़ू को मिले थे, 100 करोड़ का तो नहीं पता कहां गए इस साल की चिमनी के। पिछले साल की बात नहीं कर रहा मैं, थोड़े मेरा फैक्ट्री है नहीं, पिछले साल की चिमनी कहां है? भुगतान तो पिछले साल का दिया जा रहा, चिमनी साल की क्यों भेज रहा तू? यहां जैसे कि देखा जाए गन्ने का मूल्य भी अभी घोषित नहीं हुआ है, और किसानों का कहना है कि मिल ने भी पेमेंट नहीं किया, अभी शादियों का सीजन आ रहा है, तो किसान कैसे वो चीजें जो है हैंडल करेगा? किसान हैंडल क्या करने, मजबूरी है, शादी हो या बच्चों का खर्चा हो करना तो पड़ेगा ही, किसी साहूकार पर से लेगा वहाँ 15% या 20% पे देगा, अपनी जमीन धराएगा, उसकी जमीन बिकेगी बाद में, मजबूरी में करना पड़ेगा, सरकार तो कोई सहायता नहीं दे, और मिल वाला मानता नहीं, सरकार दाब नहीं देती इस पे, मिल वाला पेमेंट नहीं देता, आज भी पूरे रोम में है मिल वाला। तो महंगाई से किस तरह परेशान है किसान? जैसे देखे डीजल पे भी पैसा बढ़ रहा है, खाद पर जो है वो चीजें महंगी बढ़ रही है, महंगाई से तो जी पूरा परेशान है, ये आदमी कह नहीं सकता, सरकार के दबाव में रहा, इतनी भ्रष्ट सरकार है, तानाशाह बन रही पूरी, परेशान सब है, किसान परेशान है, कहीं बच्चों की फीस के लिए भी पैसा है, प्रशासन को पता ना, पुलिस को पता, भाई इनका पैसा जाएगा नहीं। तो भाई मैं तो सबसे अनुरोध कर रहा हूँ।